हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि जब हम लग्जरी इमल्शंस लगाते हैं, लग्जरी इमल्शंस का मतलब अव्वल दर्जे का पेंट हम लगाते हैं, तो उसके लिए बेस कैसे तैयार करना चाहिए या बेस सही बेस क्या है जो हम उसके इस्तेमाल में ला सकते हैं, या ऐसे पेंटों को इस्तेमाल में लाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये चर्चा मैंने प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक पेंट के साथ आपको बताया है, लेकिन मेरे कुछ पेंटर भाई कह रहे हैं कि एक बार आप विशेष वीडियो बना दीजिए केवल इस बात की कि हम कैसे जाने या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लग्जरी इमल्शंस को लगाते वक्त। तो ठीक है दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम यह सोचते हैं या हमारे दिमाग में यह आता है कि हम अपनी दीवारों को पेंट कराएंगे और एक अच्छे पेंट से पेंट कराएंगे, भले ही हो एशियन पेंट्स का लग्जरी रॉयल का रेंज हो या बर्जर पेंट की सिल्क रेंज हो या डूलक्स पेंट की वेलवेट रेंज हो, जो लग्जरी इमल्शंस की किसी भी कंपनी की रेंज है, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ले लीजिए, उनका जो सीन लेवल है, उनकी जो चमक है, उनकी जो गुणवत्ता आती है, वो आपकी दीवारों को बिल्कुल, ये समझिए कि आपके दीवारों को एक्सरे करके वो रख देते हैं पेंट्स, और आपकी दीवार में जितनी भी कमी खामियाँ होती हैं वो दिखती हैं। तो ऐसे पेंट को इस्तेमाल में लाने से पहले सबसे पहले जो हम पहला टॉपिक है, जो पहला सर्वश्रेष्ठ बात है, सबसे पहली बात है, वो ये है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी दीवार में कहीं इंडोलेशंस तो नहीं है। यह बात मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आपसे बोलता आया हूँ। यदि आपकी दीवारों में इंडोलेसेंस हैं और आपने उन इंडोलेसेंस को समतल नहीं कराया है, आपने बिना उन इंडोलेसेंस का ध्यान दिए बेस कोट्स का इस्तेमाल करके अपना पेंट करा दिया है, तो आपकी तमाम पेंट की लागत व्यर्थ होने वाली है, बेकार होने वाली है, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दीवार में इंडोलेसेंस नहीं है। यदि आपकी दीवारों में उभार हैं, आपकी दीवार कोरी है, नई है, अभी आपने मकान बना के आप प्लास्टर करके उसके ऊपर पेंट कराना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो आप उस पेंट की लिए जो बेस है, जिसको हम प्लास्टर के बाद पेंट को अप्लाई करते हैं, तो उस प्लास्टर की जो क्यूरिंग है, आप जब प्लास्टर कराते हैं दीवार पे, तो प्लास्टर कराने के बाद क्यूरिंग टाइम कम से कम 28 दिन तक उस पर दीजिए। उसकी 28 दिन तक लगातार आप तराई कीजिए, और आप तराई करेंगे तो सीमेंट से जो सीमेंट की बाउंडेशन है वो प्लास्टर के साथ, यमुना सैंड के साथ, जिसे भी आप सैंड से प्लास्टर कराए उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग करके आपको कठोर मजबूत सरफेस प्रोवाइड कराएंगे। तो अल्ट्रा लग्जरी जितने भी पेंट हैं उनके लिए बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो बेस की मजबूती के साथ साथ हमने आपको बताया है कि इंडोलेसेंस बिल्कुल दीवार में ना हो, उस दीवार पर इंडोलेसेंस चेक करने का तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कोई भी लैंप लें, लाइट लें या टॉर्च लें, आप दीवार पे, यदि आपकी दीवार या ऐसे है सरफेस, तो आप यहाँ खड़े होकर 60 डिग्री के एंगल पर उस पर टॉर्च मारें। यदि आप जब टॉर्च मारेंगे या लाइट जला के उसके ऊपर फोकस डालेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी दीवार में कहाँ उभार है, कहाँ दबाव है, कहाँ फूला हुआ है, कहाँ दबा हुआ है, ठीक है। और यदि आपकी दीवार में इस टाइप का कोई इंडोलेसेंस नहीं दिखता है, तो आपकी दीवार पेंट के लिए परफेक्ट है। लग्जरी इमल्शंस के जितने भी इमल्शंस आते हैं, भले वो रॉयल साइन हो, रॉयल मैट हो, या बर्जर का सिल्क हो, या ड्यूलक्स का वेलवेट टच हो, वेलवेट ग्लो हो, किसी भी प्रकार का पेंट आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं एक अच्छा बेस बना के। तो अच्छे बेस बनाने के लिए इंडोलेसेंस आपकी दीवारों में नहीं हो। यदि आपकी दीवारों में इंडोलेसेंस हैं, आपने देखा कि दीवार प्लास्टर ठीक नहीं हुआ है, कहीं उभार है, कहीं दबाव है, तो आप एक POP जिप्सम प्लास्टर, जिसको हम बोलते हैं, किसी POP के कारीगर से बात करें और उससे बोलें कि हमारी जो दीवार में इंडोलेसेंस है इनको आप ख़त्म कीजिए, इसके ऊपर POP कीजिए। उसके ऊपर 2 या 3 mm की एक POP की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, जिसको हम POP पनिंग कहते हैं। तो POP पनिंग को आप किसी भी कारीगर से साहुल और सूत में मांगें, फंटी के बिल्कुल सरफेस में मांगें, और चेक करें कि POP के बाद भी कहीं इंडोलेसेंस तो नहीं है। यदि हैं तो उस कारीगर को आप समझाइए कि भैया ये काम बिल्कुल ठीक करके दो। POP का पनिंग कराने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी दीवारें सरफेस हो, बाकी उससे कोई और दूसरा बेनिफिट नहीं है। जब आपकी दीवार सरफेस हो जाए, POP आप करा दो, तो उसको सूखने दो, जिसका अपना सूखने का टाइम 3 से 4 दिन होता है। 3 से 4 दिन सूखने के बाद, मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई कई बार 5 दिन 6 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन मौसम आपका बिल्कुल शुष्क है, बाहर धूप निकला हुआ है, गर्मी का मौसम है,
तो टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो आपका 3 से 4 दिन में वो 3-4 mm की लेयर की जो पनिंग है वो सूख जाएगी। उसके बाद उस पर आप हल्का सा रेगमाल मारें, सफाई करें, कहीं जैसे कि आप पनिंग कराते हो तो कहीं छोटे मोटे कण रह जाते हैं, मोटा दरदरा कहीं रह जाता है छोटा मोटा, तो उसको हल्के से रेगमाल से बिल्कुल साफ़ करें। साफ करने के बाद आप उस पर प्राइमर लगा सकते हैं। यदि आप प्राइमर नहीं लगाना चाहते तो कई पुट्टी मार्केट में ऐसी आती हैं जिनमें प्राइमर की मात्रा ऑलरेडी होती है। प्राइमर का काम होता है कि आपके जो दीवार का सरफेस है और जो आपकी पेंट की कोटिंग है दोनों के बीच में बॉन्ड प्रोवाइड करा के बैंड बनाए। प्राइमर का मुख्य काम आपके पेंट और दीवार के बीच बॉन्ड बना के दोनों को अच्छी मजबूती से पकड़ाने का काम होता है दोस्तों। और प्राइमर एक काम और करता है कि जो आपकी दीवार पे छोटे मोटे दरदरे छेद होते हैं वो उनको फिलफुल करके एक स्मूथ चिकनी फिनिश परत आपको देता है। ठीक है, आप पनिंग करा दिया आपने, दूसरा कोट प्राइमर का करा दिया। प्राइमर का जो इनिशियल टाइम होता है सूखने का वो 30 मिनट होता है, लेकिन उस पर रिकोटिंग का जो टाइम होता है वो 4 से 6 घंटे होता है। आप प्राइमर को सूखने दें, अच्छे से सूखने के बाद आप 4 घंटे की बजाय उनको 5 घंटे का टाइम दें। जब आपका प्राइमर सूख जाए तब उसके आप ऊपर पुट्टी कर सकते हैं। यदि आपने प्राइमर नहीं किया है पनिंग के ऊपर, डायरेक्ट पुट्टी की है, तो पुट्टी को सूखने दें। जो पुट्टी का सूखने का समय अंतराल है उस समय अंतराल के बाद ही उस पर दूसरा कोट करें। ठीक है दोस्तों, तो जब आपका यदि आपने प्राइमर किया है तो प्राइमर को सूखने के बाद पुट्टी करें उसके ऊपर, और पुट्टी का पहला कोट लगाने के बाद उसको सूखने दें। सूखने के बाद उस पर हल्के से 150 ग्रिड के नंबर से या 180 ग्रिड के नंबर से उस पर सैंडिंग करें। जब आपकी सैंडिंग क्लियर हो जाए, साफ सरफेस साफ हो जाए, तब आप उसके ऊपर दूसरा कोट पुट्टी का करें। दूसरा कोट पुट्टी का करने के बाद उसको भी 4 से 6 घंटे आपको सूखने देना है, और सूखने देने के बाद फिर उसके ऊपर आपको 220 या 320 की ग्रिड से सैंडिंग करनी है। दूसरा कोट आपका लगाने के बाद उसको भी 4 से 6 घंटे सूखने का टाइम दें, और सुनिश्चित 4 से 6 घंटे के बजाय आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दें, 2 घंटा एक्स्ट्रा दें, उतना भी टाइम लगे, भले 4-6 घंटे से ज़्यादा भी 4-5 घंटे और लग जाएं, लेकिन यह संपूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि सरफेस आपका बिल्कुल सूख चुका है। जब आपका सरफेस बिल्कुल सूख जाए, सेकंड कोट की पुट्टी आपकी सूख जाए, तो उसके बाद आपको 220 या 320 के सैंड पेपर से उसकी ग्राइंडिंग करनी है, उसके सरफेस को साफ करना है, रगड़ना है, और साफ करने के बाद आप उसके ऊपर एक कोट प्राइमर फिर लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यह जो कोट आपका प्राइमर का लगने वाला है यह है पेंट के नीचे का कोट होता है, जो पुट्टी और पेंट के बीच में एक अच्छा बॉन्ड प्रोवाइड कराता है, और पुट्टी के अंदर होने वाले छोटे मोटे जो दरदरे छेद होते हैं उनको वो फिलफुल करके एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है आपके पेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपका पेंट जो प्राइमर जो है वो सूख चुका है, और सूखने के बाद अब आपके किसी भी मनचाहे शेड के लिए सरफेस आपका तैयार है। आप इस पे अपना मनचाहा शेड अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पेंट का, भले आप रॉयल का लगाएं, रॉयल लग्जरी का लगाएं, रॉयल लग्जरी मल्सन साइन का लगाएं, रॉयल मैट का लगाएं, रॉयल एस्पायरा का लगाएं, सभी पेंट के लिए, या डूलस का वेलवेट टच लगाएं, वेलवेट ग्लो लगाएं, या बर्जर का सिल्क लगाएं। ठीक है दोस्तों, सिल्क ग्लो लगाएं, भले ही कोई भी पेंट आप लगाएं लग्जरी इमल्सन्स का, उसके लिए जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है इसी प्रक्रिया से आपने बेस तैयार कराना है। अब आपका बेस तैयार हो चुका है, आप पहला कोट लगाएं। पहला कोट लगाने के बाद पेंट को सूखने दें 4 से 6 घंटे तक। 7 घंटे भी यदि होते हैं तो कोई बात नहीं, यह सुनिश्चित कर लें कि पेंट आपका 100% सूख गया है या अभी कोई नमी बाकी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप दूसरा कोट कराएं। आपको लगता है कि आपके दूसरे कोट में आपको मनचाही ओपेसिटी मिल चुकी है, नीचे का सरफेस दब चुका है, जो आपका शेड है 100% उभर के खिल के आपको दिखाई दे रहा है, उसकी चमक, उसमें ग्लो, उसकी फिनिश, उसकी स्मूथनेस हाथ फेर के देख लें और दीवार पे गाल लगा के देख लें। ठीक है, सबसे नाजुक सेंसिटिव हमारा गाल ही होता है, इसको दीवार पे लगा के देखें कि हाँ सरफेस आपका स्मूथ है, चिकना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि आपको लगता है नहीं एक कोट की और आ सकता है तो आप वो कोट कराएं, 3 कोट कराएं, 2 कोट में आपको संतुष्टि नहीं हो रही तो 3 कोट कराएं। अब आपका पेंट जिस भी शेड का है, जिस भी क्वालिटी का है, वो तमाम क्वालिटी तमाम शेड आपको प्रोवाइड मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डाल देता हूँ। पहला कोट आपके सरफेस का इंडोलेसेंस देखने हैं, दूसरे कोट में आपने उसके ऊपर यदि इंडोलेसेंस है और तो पनिंग करानी है, पनिंग का सूखने के बाद उसके ऊपर पुट्टी करानी है,
पुट्टी सूखने के बाद प्राइमर कराना है, प्राइमर कराने के बाद आपने पेंट कराना है, और जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया है वही प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, ये लग्जरी इमल्सन्स के लिए जितने भी पेंट आपके आते हैं भले किसी भी कंपनी का हो, सबके लिए एक बेस्ट सरफेस आपको प्रोवाइड होगा, मिलेगा, जो भी मेहनत होनी है बेस में होनी है दोस्तों। ठीक है, फिर आपको किसी भी पेंट को लगाने के बाद पछताने की आवश्यकता नहीं है, आपका पेंट बहुत एकदम फर्स्ट क्लास A1 क्लास का निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था आप समझ पाए हैं, जो मेरे पेंटर भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ पाई हैं। तो पेंटर भाई से मेरा अनुरोध है कि बेस में कंजूसी ना करें, बेस में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लें, और यदि आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपका काम निखर के आएगा और आपका क्लाइंट आपसे खुश होगा। तो सर्वप्रथम जो प्रायोरिटी पे आपने रखना है, आपने अपने क्लाइंट की खुशी को रखना है, जो वो पैसा लगा रहा है, जिस माल के वो पैसा दे रहा है वही माल लगाना है। ठीक है दोस्तों, और मैंने जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि आप समझे होंगे। दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी है, मैं उसको टाइमली फिलफिल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जल्दी ही हम अगली कंपनी के जैसे कि डूलक्स या बर्जर किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट रेंज पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारी जो है हमने लग्जरी रेंज को कवर किया है एशियन पेंट्स की, अभी इकोनॉमी और प्रीमियम रेंज अभी बची हुई हैं। तो अगली वीडियो आपको दोनों रेंजों पे किसी एक रेंज पे देखने को मिलेगी, भले ही हम यदि लग्जरी रेंज पे चर्चा करेंगे तो लग्जरी के समस्त प्रोडक्ट पे चर्चा करेंगे, और प्रीमियम रेंज पे चर्चा करेंगे तो समस्त प्रीमियम रेंज पे चर्चा करेंगे, एक एक प्रोडक्ट के साथ उसकी क्वालिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका प्राइस, उसका पैकिंग साइज, सभी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ साझा करें कि भिखाजी टॉक वॉक एक ऐसा चैनल है जहाँ पर पेंट से, हार्डवेयर से, सैनिटरी से रिलेटेड जानकारी मिलती हैं। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी चर्चा को विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।